मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। आज हम सभी, हमारा पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रही है, हम सभी घर पर हैं। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं ज्ञान के मार्ग से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारा बहुत सा ऐसा YouTube चैनल सामने आ रहा है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहा है, तो मैंने भी सोचा कि इस दुखी घड़ी में बच्चों का कुछ सेवा कर सकूं। कुछ सेवा करने से पहले मैं एक विनती करना चाहूँगा कि हम लोग सभी जो है दुख से परेशान हो उठते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, दुख से ही हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए जो है एक अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सचमुच में आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। यहाँ पर आवश्यकता हमारा संकट भी है। कुछ साल पहले जब हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया करते थे, फिर व्हाइट बोर्ड आया, फिर धीरे धीरे स्मार्ट क्लास चेंज हुआ, तो कुछ ही दिनों पहले मैंने एक अनुमान लगाया था कि आने वाले फाइव ईयर्स में हमारा जो भी कोचिंग व्यवस्था है और जो कुछ सिस्टम्स, जो शिक्षा की पद्धति है, उसमें ज़रूर कहीं कहीं बदलाव और ऐसी बदलाव आएगी कि जो क्रांति का रूप ले लेगा। तो हम लोग इस ऑनलाइन सिस्टम से बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, और यह बहुत सुरक्षित और बहुत ही कंफर्टेबल भी। तो मैं बिहार सरकार के वैसे छात्रों को सुझाव देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, और यह टोटली जो है संपूर्ण रूप से बिहार सरकार के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होगा। मैं कुमार शंभूशरण, भागलपुर जिला के गोपालपुर प्रखंड के UHS मुकुंदपुर स्कूल में पद स्थापित हूँ अंग्रेजी पद पर। तो इसलिए सोचा कि बच्चे जो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, उनका सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा, तो मैं इस माध्यम से एक छोटा सा प्रयास आपके सामने रख रहा हूँ। और हमें उम्मीद है कि इस प्रयास में अगर आपका सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो मैं आगे भी देता रहूँगा। और हमारे बच्चे जो मेरा व्यक्तिगत विषय है उसमें पीछे नहीं रहेंगे। तो आज हम खास करके बिहार बोर्ड जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनके सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। और यह शुरुआत जो है उनके कंटेंट से स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसमें प्रोज और जो पोइट्री सेक्शन है उसमें जो जो प्रोज लिखे गए हैं उनके राइटर कौन है, असिस्ट कौन है, स्टोरी राइटर कौन है, उनका क्या डिटेल्स है। क्योंकि जितने भी अभी तक हमने बिहार बोर्ड के प्रश्न देखे हैं उसमें हर प्रश्न में उनके राइटर के बारे में, उनके असिस्ट के बारे में, स्टोरी राइटर के बारे में या उनके चैप्टर के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप इनको भली भांति उनको रिमेम्बर करें और हर चैप्टर का हम टेस्ट सीरीज जो आप अपने मोबाइल से कहीं से भी टेस्ट दे सकते हैं, उनका मार्किंग होगा। और अगर मेरे वीडियो आप लाइक करेंगे तो इसमें हम पुरस्कार रिवार्ड की भी घोषणा करेंगे। और मैं बिहार सरकार के उन्नयन कंसेप्ट का भरपूर स्वागत करता हूं कि उनका जो सिलेबस है, जो हमारे बांका के DM साहब ने सिलेबस तैयार किया, बहुत ही सुंदर सिस्टम किया कि आने वाले समय में जो बिहार सरकार के छात्र जो है पिछड़े वर्ग हैं वे डिजिटल कंसेप्ट को स्वीकारेंगे और वे अपने आप को प्रखर बना सकेंगे। तो इस प्रखरता में आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और बच्चों का सपोर्ट चाहिए। तो मैं
यह जो वीडियो उन्नयन के साइट से लिंक करूंगा, और अगर कुछ सेवा हो सके तो बच्चे वहां से ले सकेंगे। क्योंकि अगर हम यहां पर इनको नॉर्मल तरीके से कहीं भी शेयर करते हैं तो हमारे जो संपर्क में कुछ बच्चे हैं सिर्फ वही फायदा उठा सकते हैं। अगर हम उन्नयन सेवा में इनको हम प्रदान करते हैं तो सारे बच्चे जो बिहार के जितने भी अभी बच्चे हैं घर पर बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके खास करके अभिभावक भी दुखी हैं कि मेरा सेशन चालू हो गया, हम लोग अप्रैल से सारे कोर्सेज को स्टार्ट कर लेते थे, तो इसमें हम टेंथ का सिलेबस इसलिए स्टार्ट किए कि चूंकि उनको अगले सत्र में जाकर के सबसे पहले एग्जाम देना हो जाता है, उनको त्रैमासिक छमाही और टेस्ट का जो पीरियड है उनको बहुत कम समय मिलता है, तो उस कम समय में हम कुछ अपनी योगदान किस तरह से दे सकते हैं ये आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें जो उनका परीक्षा देने का जो तरीका है, जो हम लोग उन्नयन में, चूंकि मैं अपने स्कूल का नोडल टीचर भी हूँ और हमारे पास दो प्रखंड हैं गोपालपुर और रंगरा प्रखंड का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग कोरोना प्लस हड़ताल पर हैं, हम लोग अपनी मांगों के लिए तत्पर हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते। जब बच्चे पिछड़ते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हम लोग सबसे पहले टीचर होने के नाते एक नागरिक भी हैं, हम स्कूल तो ज्वाइन अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि मैं उस विद्यालय में शिक्षक हूँ जहाँ पर मैंने खुद पढ़ाई की है, तो मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं समाज और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, मेरी जो दायित्व बनती है वो दायित्व को हम अभी के समय में इसी साधन से पूरा कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अगर आपको इस छोटे से प्रयास से कोई लाभ मिलती है तो मेरा पुरस्कार होगा। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं क्लास के लिए। तो टेंथ का जो सिलेबस है ये कंटेंट है जिसमें प्रोज है, सबसे पहले प्रोज सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं पहला द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग एक आपका निबंध है, प्रोज है, जो आर सी हचिंसन के द्वारा लिखी गई है और लेखक का जन्म जो है 23 जनवरी 1907 ईस्वी को हुआ है और उनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 को हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी कभी परीक्षा में ये इनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ तिथि का भी चर्चा कर दिया जाता है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और टीचर भी क्लास में जो क्लास देते हैं वो शॉर्ट पढ़ा के निकल जाते हैं। अभी हम भी यहाँ पर शॉर्ट ही देंगे, लेकिन याद रखना है द पेस फॉर लिविंग आर सी हचिंसन याद रखना है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो जॉन लैक्सियू के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 29 मई 1961 को हुआ है और इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1992 को हुई है, और इसमें हम फोटो भी कुछ डाले हैं, हो सकता है कि आपका जब हम टेस्ट लें तो उसमें फोटो भी शेयर करेंगे, आपको पहचान करना है कि किनका फोटो है, और हम कोशिश करेंगे कि यदि हम इसमें सफल होते हैं तो आपका जो रिजल्ट हम शेयर करेंगे, आप पहले एग्जाम देंगे उसका यूट्यूब का लिंक मिलेगा, और जितने भी अभिभावक हमारे फेसबुक या हमारे यूट्यूब से जुड़ेंगे अपने, अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करके बच्चे को दे सकते हैं। इनकी हम इनकी बार बार रिपीटेशन करेंगे, आज हम प्रो सेक्शन को ही टच करेंगे चूंकि आपका वजन भी नहीं बढ़े और आपको समझ में आए, तो इसके बाद मैं ग्रामर सेक्शन को भी चालू करूंगा, ट्रांसलेशन सेक्शन को भी करूंगा, और जितने भी टेक्स्ट हैं टेक्स्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइन बाय लाइन आपको हिंदी बताया जाएगा, उसका सारांश क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो ये दूसरा था मी एंड द इकोलॉजी बिट जॉन लैक्सियू के द्वारा, आप देख रहे हैं कि उनकी तस्वीर लगी हुई है, और ये 29 मई 1961 को इनका जन्म हुआ है और 3
सितंबर 1992 को इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दूसरी तीसरी चैप्टर है गिल्लू और इनके इनकी लेखिका महादेवी वर्मा, इनको कौन नहीं जानता अगर हम भारत में रहते हैं तो, चूंकि ये हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध लेखिका रही है। इनका जन्म 20 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था, तो ये तिथि याद रखेंगे। इसके बाद है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये सत्यजीत रे, अगर हम फिल्म की चर्चा करेंगे, फिल्म डायरेक्टर, महान फिल्म डायरेक्टर रहे। इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ है और 23 अप्रैल 1992 को हुआ है। हम चूंकि इसको हिंदी माध्यम से आपको पढ़ाना चाहेंगे, चूंकि हम लोग बिहार सरकार के हिंदी माध्यम के छात्र को ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके लिए उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आगे हम चलते हैं, इनके बाद जो है एक्सेप्टेंस स्पीच अंग सेन शू की के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ है और इनकी डेथ की मेरे पास डिटेल्स नहीं है और शायद ये जीवित हैं, आगे अगर इनका कोई भी डिटेल्स मिलेगा तो हम शेयर करेंगे। उसके बाद है वंस अपॉन अ टाइम टॉरी मॉरिसन के द्वारा, ये जो 18 फरवरी 1931 को इनका जन्म हुआ था और 5 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हम फोटो इसलिए शेयर किए हैं कि कभी मैं पढ़ा रहा था, कुछ ऐसे राइटर्स आ जाते हैं कि बिना फोटो देखे बिना डिटेल्स जानकारी लिए कभी कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रॉब्लम हमारे पास आया, इसलिए यहाँ पर फोटो शेयर किए। कभी कभी टॉनी मॉरिसन को बहुत लोग इसको पुल्लिंग मान करके डिटेल्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोटो के साथ शेयर किए ताकि हमको भी इनका नोट्स या कोई चीज़ डिक्लेरेशन में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिए 22 फरवरी 1906 को इनका जन्म हुआ है और 18 अगस्त 1969 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये जो है एलन टेलस्टाय के द्वारा, किताब में लियो टेलस्टाय लिखा हुआ है इसलिए हम इसको ये लगते हैं। और ये बहुत ही महान नॉवलिस्ट भी रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। इनका जो पिछले सेशन में जो इंटरमीडिएट में 3 क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यादगार इनका ये जो है स्टोरी रहा है। तो ये 8 चैप्टर है, तो इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका वीडियो, आप इसको पॉज करके ऊपर नीचे करके ढक करके किताब को ढक करके बार बार रिपीट करेंगे कि अब इसको हम बारी बारी से एक बार पढ़ते हैं। फास्ट पढ़ेंगे आप, यहाँ पर हम इनके सिर्फ चैप्टर और राइटर की चर्चा करेंगे। तो द पेस फॉर लिविंग के लेखक हैं आरसी हचिंगसन, मी एंड द इकोलॉजी बीट के हैं जॉन लैक्सियो, गिल्लू के महादेवी वर्मा, व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स सत्यजीत रे, फिर इसके बाद जो है एक्सेप्टेंस स्पीच अंग सेंस शू की और वंस अपॉन ए टाइम टॉनी मॉरिसन, उसके बाद द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर और लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। यहाँ पर मात्र आपको 8 चैप्टर की इसमें चर्चा की गई है जिसको आपको पढ़ना है और इसको दिमाग में कैप्चर करके रख लेना। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। हम कुछ अपनी बात भी शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग भारत में प्रेम सद्भाव को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सभी को पता है कि भारत जो है धीरे 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 विकास की ओर अग्रसर है, और अगर हम लोग सभी मिलकर अपने अंदर में देशभक्ति की भावना रखते हैं तो सबसे पहले नॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे। अगर ज्ञान लेना आप छोड़ दिए तो हम कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे को साक्षर बनाइए, बच्चे को स्कूल भेजिए, बच्चे की एक्टिविटीज पर हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चे किस प्रकार अपनी आदतें बना रहे हैं,
आदत से ही हम आगे कुछ सीख सकते हैं, अच्छी आदतें अगर आती हैं तो। हम देख रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लिए वरदान भी है और ये हमारे लिए विनाशकारी भी है। लेकिन अगर हम इसमें से अच्छाई को लेते हैं, ज्ञान को लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई भी गुरु अभी आपके पास नहीं अवेलेबल है। तो आज हम जो भी जानकारी मेरे पास था, ये जानकारी मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आज आप लोग लेखक संबंधी, प्रोज संबंधी सारे जानकारी को शेयर करें, इसको राइटिंग करें, इसको नोट्स बना के रखें, इसको बार बार पढ़ें। और जब हमारा प्रश्न आएगा, तो प्रश्न मेरा आएगा जब पोइट्री को भी हम रिवीजन मारेंगे तभी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद।